केदारनाथ में एक बार फिर से दिखा ये कैसा चमत्कार। केदारनाथ में चमत्कार या प्रकृति का कोई संदेश, एक बार फिर कैसे बदल गया केदारनाथ धाम का परिवेश। इस बार पहाड़ियों पर ऐसा क्या दिख गया जो श्रद्धालुओं की सांसें थम गईं? ये है शिव का धाम केदारनाथ, जहां उमड़ता है आस्था का सैलाब। आसमान छूती बर्फीली चोटियां, मौसम बेमिसाल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। केदारनाथ धाम से जुड़ी ये घटना आपको रोमांच से भर देगी, तो ये रोमांचक कहानी जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय बाबा केदारनाथ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये भव्य मंदिर। मंदिर का पूरा क्षेत्रफल केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ का ये भव्य मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फीट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, ये राज आज भी नहीं खुल सका है। याद करिए 16 जून 2013 का वो भयावह मंजर, जब कुदरत ने केदारनाथ क्षेत्र में कहर बरपाया था। उस आपदा के छींटे लोगों के दिलो दिमाग से आज भी नहीं मिट सके हैं। उस रात जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं। लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशाल चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बट गया और बाबा केदारनाथ का ये मंदिर और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस साल केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट 25 अप्रैल से ही खोल दिए गए हैं। इसी दिन से चार धाम यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी। बाबा केदारनाथ मंदिर के पट खुलने से पहले कई परंपराएं निभाई जाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ में शिवजी ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए यहां बैल रूपी लिंग स्थापित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां और उत्तराखंड के 4 धामों में 3रा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ के इस स्थान को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। कहते हैं जब केदारनाथ धाम के पट बंद होते हैं तब एक दीपक वहां जलाया जाता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित से सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है। कपाट खुलने पर वैसा ही नजारा देखने को मिलता है जैसा बंद करने पर था। पौराणिक ग्रंथों में केदारनाथ को लेकर ये कथा मिलती है कि एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज की चाहत नहीं है, बस आप यहाँ आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहां पर केदार नामक राजा का सुशासन था और भूमि का ये हिस्सा केदार खंड कहलाता था।
तो इस प्रकार भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा गया। केदार घाटी में दो पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। शिव पुराण में केदारनाथ की पावन भूमि की महिमा के बारे में बताया गया है कि जो भी भक्त यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनके लिए सीधे मोक्ष के द्वार खुलते हैं और सीधा शिवलोक में स्थान मिलता है। अभी पिछले दिनों यात्रा में आए श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर के पीछे बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियों पर सफेद बर्फीला तूफान देखा। पहले तो ये बाबा केदारनाथ का कोई चमत्कार समझकर सारे श्रद्धालु जयकारा लगाने लगे, लेकिन देखते ही देखते जब तूफान ने अपना दायरा बड़ा किया तब लोगों की सांसें थम गई। मंदिर से 4 किलोमीटर दूर चोराबाड़ी ताल की ओर पहाड़ियों में ये चमत्कार नहीं बल्कि एक बर्फीला तूफान था। मंदिर परिसर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को बस एक ही सहारा नजर आ रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि बाबा केदारनाथ ही थे। शरण में आए की रक्षा करना महादेव की जिम्मेदारी थी, तो किसी का बाल भी बांका कैसे हो सकता था। बाबा केदारनाथ की कृपा हुई और बिना किसी जान माल को नुकसान पहुंचाए ये बर्फीला तूफान खुद ब खुद शांत हो गया। बर्फ का धुआं छटते ही श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली और एक बार फिर पूरा मंदिर परिसर जय बाबा केदारनाथ के जयकारे से गूंज उठा। हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव की भक्ति का ये धाम तमाम चमत्कारिक और रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए है। क्या लगता है आपको, क्या बाबा केदारनाथ के चमत्कार से ही शांत हो गया तूफान? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ऐसी ही चमत्कारिक और रोमांचक कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ, जिनकी महिमा है अपरंपार। बोलिए जय बाबा केदार।